अच्छा एक मिनट, बस 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 बाद में देखते हैं उसको, रुक जाए बाद में देखते हैं मसले। ठीक है अच्छा अब देखिए यहाँ पे हो ये रहा है रिदा, बस बाद में बात कर लेना, जिसके जो मसला आ रहे हैं लेक्चर के बाद हल हो जाएंगे। ठीक है आप लोग भी गेंसी पा दो। अच्छा ये आपका फंक्शन का नाम था, ये आपके व्यू का नाम है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसकी सिर्फ राउटिंग करनी है। इसकी राउटिंग करने का तरीका से देख लें, ये मैं करवा दूंगी फिर नेक्स्ट आप लोग बताओगे। सुफियान क्या हो रही है, उमर उठो वहाँ से, इधर आओ जल्दी जल्दी आ जाओ, उमर बीच में कमेंट नहीं करो कोई भी मुसम्मिल। जिनको बात करनी है वो सीधा उठ के क्लास से चले जाए, बात करते आवाज आई क्लास से मैं सीधा निकाल दूंगी या लगा दूंगी एब्सेंट, आप बैठे रहना भले। सीरियसनेस ही नहीं है कोई, फजूल की मस्ती मजाक ला के रखी, तो छोटे बच्चे हैं आप लोग, कब से आपको टोक रही हूं मैं। ये रहो फिर भी ठीक है, ये स्पेशली ये रहो जी आप लोग सब। तो अब इसकी राउटिंग करने के लिए web.php में आ जाएं। राउटिंग इसकी इस तरीके से नहीं होगी, ठीक है तरीका अलग है थोड़ा। यहाँ पे आपने लिखना है पहले राउट गेट, सिंगल कोट में तो नाम वैसे ही आएगा जैसे आपकी कोई भी मर्जी। मैंने कहा जैसे कि होम पेज कॉमा एज अ एरे की फॉर्म में जाता है, एरे की आपको पता है हमेशा एरे के ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है मैंने कहा एरे के ब्रैकेट। कंट्रोलर का नाम वो है क्या आपके पास, यूज़र कंट्रोलर, मैंने कहा यूज़र कंट्रोलर, मैंने कहा क्या है ये, मैंने कहा यूज़र कंट्रोलर आपके पास एक क्लास है, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा यूज़र कंट्रोलर है एक क्लास। अब उसमें हो सकता है कि बहुत सारे फंक्शन हो, होम फंक्शन गैलरी, तो मैंने कहा सब नहीं चाहिए हमें, कोई एक चाहिए, मैंने कहा जैसे कि ये, तो कॉपी करें इसका नाम, इसको उठा के यहाँ पेस्ट कर दें। तो अब जो हमने राउटिंग किया है इसको समझ लें, राउट जाएगा कंट्रोलर के पास और कंट्रोलर वहां से व्यू को रिटर्न करेगा, ये राउटिंग हुई है पूरी। हमने जो लास्ट में राउटिंग की थी वो बिल्कुल सही है, आगे चल के हमें इसको भी यूज़ करना है लेकिन हमें इसको ज़्यादा यूज़ करना है, इसलिए ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर होना कंपलसरी। वापस समझ लें, यह आपकी मर्ज़ी का नाम हमने दिया, यहाँ पर वो फंक्शन का नाम आएगा जो इस कंट्रोलर पर बना हुआ है और ये फंक्शन वहाँ से व्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं इसको चला के देखूँ, मैंने कहा स्लैश देख के जब मैं होम पेज लिखूँ, लेकिन अब आपको एक एरर थ्रो करेगा ये, मैंने कहा स्लैश होम पेज PHP आर्टिसन, हाँ सर पे तो है, ये क्या बोल रहा है आपके पास, ये बोल रहा है यूज़र कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट, हालांकि हमने जो स्पेलिंग दी है वो सही दी है, ठीक है लेकिन ये जब भी बोल रहा है ये इसको मिल नहीं रहा, यहाँ पे web.php का मसला दिखा रहा है, ठीक है। इस एरर ये देखिए, इसके एरर बहुत आएंगे, आपको बस हल करने आने चाहिए। अगर आप गूगल पे देखेंगे ना, गूगल पे इसकी थोड़ी सी कोडिंग आपको अलग मिलेगी, ऐसी नहीं मिलेगी जैसे मैंने करवाई है, लेकिन वो कोडिंग लारावेल 7 की है, हम 8 पर हैं, 8 में इस तरीके से इसकी राउटिंग होती है, ठीक है। अब इसको मिल नहीं रहा तो आपने क्या करना है, इस कंट्रोलर को कॉपी करना है, आप श्योर हो स्पेलिंग ठीक है तो फिर आप इसको ऊपर लेके जाओ, यहाँ पर इसको यूज़ कर लो ऐप के फोल्डर के अंदर। अब मुझे नहीं पता इसकी डायरेक्टरी क्या है, ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर ये फाइल है, मैंने कहा ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स का फोल्डर है उसके अंदर ये वाली फाइल अब आपको मिल जाएगी। तो अब जो नीचे एरर आ रहा था वो हल हो जाएगा। अगर आपका लेट सपोज माय कंट्रोलर, लॉग इन कंट्रोलर बहुत सारे, उन सबको आपने ऐसे ही बैठ के नीचे यूज़ करना है, ठीक है। देख लेते हैं पहले, अगर चल गया फिर नेक्स्ट इसी की राउटिंग करके देख लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से रीलोड किया है, ये क्या बोल रहा है, दिस इज़ होम पेज। अब आप बोलेंगे पहले भी तो रिजल्ट ऐसे ही आया था, लेकिन फ़र्क था वो थी राउट टू व्यू, अब हमने राउटिंग थोड़ी चेंज की है, अब हमने बीच में कंट्रोलर को डाल दिया है। अब समझे, ये नाम आपकी मर्ज़ी का नाम तो था लेकिन इसी नाम की वजह से आपका यहाँ पर काम चलेगा। मैंने कहा स्लैश दे के होम पेज जब मैं लिखूँ, इस कंट्रोलर के इस फंक्शन के पास जाना, वहाँ से वो फंक्शन किसको रिटर्न कर रहा है, व्यू को,
ये व्यू होम मर्जी से नहीं लिखा, ये व्यू होम यहाँ से आ रहा है। अब ऐसे एक और मैं करके दिखाती हूँ गैलरी, फिर नेक्स्ट फिर आप लोग बताना, ठीक है? मैंने यहाँ से एक और फाइल बनाई है गैलरी डॉट लेट डॉट पी एच पी, क्या हुआ? सॉरी सॉरी सर, गैलरी डॉट लेट डॉट पी एच पी, इसमें मैं लिखा दिस इज गैलरी पेज। अब डॉक्यूमेंट फाइल के हम लोग वैसे भी व्यू से भी कर रहे हैं या कंट्रोलर को भी डाल के व्यू कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जब मैं बैकएंड की बात आएगी, मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है पीएचपी माय एडमिन में या मुझे कुछ भी फैच करना है, तो वो इस राउटिंग के बगैर तो हो ही नहीं सकता। ये वाली राउटिंग काम समझे, काम चलाने वाली राउटिंग है कि कोई भी बस चला के दिखाना है हमने इसको कर लिया, लेकिन जब बैकएंड की बात आएगी तो फिर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बेहतर है दोनों आपको आती हो तो बाद में मसला नहीं होगा, ठीक है? अच्छा अब आ जाए, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये सबको पहले बंद कर दें। मैंने आपके सामने एक व्यू बना दिया है गैलरी, ठीक है? तो अब रहीम बताओ इसका क्या करें सबसे पहले। अच्छा आप रुको, आप कह रहे हो राउट मार के राउट करूं, अगर मैं ये राउट नीचे पेस्ट कर दूं तो मैं इधर फंक्शन में क्या लिखूंगी? बिल्कुल, तो पहला स्टेप ये है कि जब व्यू मैंने बना लिया आपके सामने, तो दूसरा स्टेप इसका ये होगा हम कंट्रोलर पे काम करेंगे। तो आ जाए कंट्रोलर में, ये रहा सेम फंक्शन बनेगा लेकिन लिख लेते हैं। मैंने कहा पब्लिक फंक्शन, किसी भी नाम से फंक्शन, जैसे कि गैलरी फंक्शन, राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट। ये क्या करेगा, ये व्यू को रिटर्न करेगा। मैंने कहा रिटर्न कर देना व्यू, व्यू का नाम क्या होगा, व्यू का नाम क्या है, गैलरी, जो मैंने बनाया था अभी यहाँ पे जो बनाया था हमने वही नाम यहाँ दे देंगे, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फंक्शन की क्या कर देंगे, राउटिंग करेंगे। देखो ब्लेड डॉट पी एच पी मैंने बताया भी था, ब्लेड डॉट पी एच पी हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि लारावेल पी एच पी का फ्रेमवर्क है। दूसरा अगर आप चाह रहे हो, क्योंकि जब हमने पी एच पी पढ़ी थी हमें बार बार पी एच पी के एक्सेसर्स को ओपन करना पड़ता था, वो क्वेश्चन मार्क पी एच पी, वो करने से बच जाए इसलिए ब्लेड डॉट पी एच पी लगाए। इसमें फ़ायदा ये होगा हम डायरेक्टली ईको वीको सब लगा देंगे, हमें कुछ भी पी एच पी के एक्सेस खोलो बंद करो वो सब करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? इसीलिए किया। अच्छा अब इसकी राउटिंग करनी है, राउटिंग कौन सी फाइल में होती है मोइस बताओ, मोइस राउटिंग, राउटिंग कौन सी फाइल में होती है? अच्छा ये फोल्डर है, इसमें से कौन सी फाइल है, वेब की फाइल है, ठीक है? इस फंक्शन की हम राउटिंग इस फाइल में करेंगे, सेम राउटिंग होगी लेकिन लिख लेते हैं। मैंने कहा राउट गेट सिंगल कोट में कोई भी नाम, तो मैंने कहा जैसे कि स्लैश गैलरी पेज कुछ भी देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूजर कंट्रोलर क्या है, मैंने कहा ये हमारी क्लास है, सिंगल कोट में वहाँ पे ये दो फंक्शन है, हमें कौन सा चाहिए, गैलरी फंक्शन, कॉपी करके पेस्ट। तो अब ये हमने कर तो दिया है, बिल्कुल डबल एल ही है, और रूल का आर कैपिटल नहीं है तो समझते नहीं, वैसे इसका कोई इशू आएगा लेकिन कर लें, वैसे इसका मसला आता नहीं है, ठीक है? अच्छा अब क्या इस पे एरर आएगा या नहीं आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यूज नहीं किया है, खराब है ना, देखो ये रहा, देखो हाँ अगर नया नाम हो तो करना पड़ता, ठीक है ना, एक बार हमने कर लिया वापस नहीं करना है। चला के देखते हैं इसको, मैंने कहा इसको मैं स्लैश गैलरी पेज को कॉपी करती हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करते हैं, आ तो रहा है, ठीक है? अब सिर्फ फॉर प्रैक्टिस हम दो पेज और बनाते हैं, मैं जिससे पूछूँ वो मुझे वही बताया, ठीक है? सबसे पहले तो मुजम्मिल आप बता दो, क्योंकि जो लोग लास्ट लास्ट में थे उनको पता है मुझे उनको आता होगा, जो लोग लास्ट लास्ट में नहीं थे लारावेल वाले उनको रिवाइज करवाना है। बताओ मुजम्मिल व्यू का बनाऊँ, व्यू के अंदर आके रिसोर्सेज है, व्यूज में एक फाइल बनेगी किसी भी नाम की, ठीक है? मैंने इसमें लिख दिया दिस इज अबाउट पेज। अब क्या करूँ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बिल्कुल यूजर कंट्रोलर में आएंगे, ऐप एचटीटीपी यूजर कंट्रोलर, सेम फंक्शन बनेगा, मैं कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है? यहाँ मैंने कह दिया इसको कुछ भी नाम, जैसे कि अबाउट फंक्शन, नीचे क्या आएगा, देखिए किसका नाम आता है यहाँ पे, व्यू का नाम आता है जो रिसोर्सेज में बनाया है, ठीक है? अब हम इसकी क्या करेंगे, वेब डॉट पी एच पी में जाके इसकी राउटिंग करनी है। तो मैंने कहा वेब डॉट पी एच पी में आ जाए, सेम राउटिंग होगी तो कॉपी करके कर लें पेस्ट, फंक्शन
फंक्शन का नाम चेंज हो जाएगा, अबाउट फंक्शन, ये वो फंक्शन है जो वहाँ बना हुआ है, और अबाउट पेज, यहाँ पे आपकी मर्जी का नाम आता है लेकिन फिर यही नाम हर जगह एक्सेस होगा, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो ये वाला काम तो हमारा हो गया, सही है। इसमें किसी कोई मसला है तो पूछ लो अभी, देख कोई इतना हार्ड काम नहीं है, ठीक है। बस हमने ऐड ऑन सिर्फ कंट्रोलर का किया है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को भी? नहीं, 8000 ही आया, वो तो पी एच पी माई एडमिन की पोर्ट नंबर थी जो आपके लारावेल की, तो 8000 ही है हर जगह, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको ये तो हमने सिंपल कर लिया, अब मैं सिंपल से टास्क दूँ अगर, कि आपने क्या करना है, आपने पेज बनाना है, यहीं पे बना ले, जैसे कि एक पेज बना लिया आपने किसी भी नाम का, ABC या layout.blade.php, उसमें आपने B4 का नेव बार लिया, B4 W3 से हम सीरियन उठा लिए, B4 से नेव बार। अगर मैं होम पे क्लिक करूँ तो होम पे जाए, अबाउट क्लिक करने पे अबाउट पे जाए, और गैलरी पे गैलरी पे, कर सकते हो ये? स्टैटिक मतलब नहीं, HTML से कैसे जाएगा, क्या फाइल का नाम HTML है? about.html मैंने फाइल का नाम यहाँ बनाया है, नहीं बनाया, तो वो जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किया था वो तो नहीं होगा, वो तो जाहिर ही बात है। लेकिन नेम बार के होम के क्लिक करने पे मुझे होम पे जाना है। अब देखिए, अब इस बात को समझें, अगर मुझे यहाँ से होम पे जाना है, मैं क्या करूँगी इधर? होम पेज, उसका राउट का नाम जो web.php में दिया है वो देंगे। तो आपने क्या करना है, आपने यही राउट, इतना राउट नेम बार के हाइपर रेफरेंस पर डाल देना है, हाइपर रेफरेंस में, जहाँ पे आप हमेशा इंडेक्स और HTML या जो भी देते हैं उसमें डालेंगे, वो खुद राउटिंग कर देगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको ट्राई करें, ये हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं करवा दूँगी, आज ही कर लेंगे इसको, जल्दी से जल्दी से। और जिनके PC में इशू